हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास एट का मैथ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, उसका दो टॉपिक था, ये हम लोगों का लास्ट है आज ये क्लास, मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का लेक्चर, डायगोनल मेथड एंड डिवीजन मेथड। ठीक है, इसको लॉन्ग कट मेथड भी बोलते हैं डिवीजन मेथड को। ठीक है, चलिए तो डायगोनल मेथड देखते हैं क्या होता है, उसके बाद डिवीजन मेथड देखेंगे। 25 का स्क्वायर डायगोनल बनाने, 25 है, दो है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ा सा स्क्वायर बनाएंगे। बड़ा स्क्वायर बन गया, अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा स्क्वायर बन गया ना, अब इसमें दो कहा है ना, तो यहाँ पर दो कहा है तो चार खंड बना दो, कितना हो गया, चार। अब यहां पर 25 लिख दो, दिख रहा है ना, एक इस पर दो, एक इस पर पांच, फिर एक इस पर दो, एक इस पर पांच। ओके, सिंपल है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिटाया जाता हूं। इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पर हो गया। अब देखो, अब क्या करना है, यहां से एक डायगोनल ले लो, फिर यहां से एक ले लो, फिर यहां से एक ले लो, दिख रहा है आप लोगों को, मतलब हर एक खंड का डायगोनल मैंने कर दिया, हर एक खंड का की तरह। ठीक है, मतलब हर एक स्क्वायर, यहाँ पर चार स्क्वायर था पूरा, चारों स्क्वायर का डायगोनल मैंने निकाल दिया। अब क्या करना है, अब इस ये वाला अंक को इससे गुना करो, ये इससे, ठीक है, उससे गुना करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो, फोर बोला है ना, तो फोर दो, मतलब दो डिजिट का नहीं है, एक डिजिट का है, तो एक डिजिट का है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो ले लेंगे और यहाँ पर एक फोर दे देंगे। ओके, और फिर टू को इसी से, मतलब यही लाइन में है ना, हॉरिजॉन्टल में यही है ना, और ये फाइव से गुना करेंगे, फाइव टू या टेन, तो टेन लिख दिए। लिखने का तरीका देखो, यहाँ पर बच्चे बहुत गड़बड़ाते, क्या होता है भाई लोग कि वन, ये टेन लिखा हुआ है ना, फाइव टू या टेन, तो टेन लिख दिया मैंने। अब फिर फाइव टू या, यहाँ पर देखो, ये वाला टू है, ये वाला फाइव है, ये वाला टू, ये वाला फाइव, नीचे वाला मैं देख रहा हूँ, ये वाला टू, ये वाला फाइव, फाइव टू या टेन, यहाँ पर भी टेन लिख देंगे। फाइव फाइव जा 25 होगा। अब देखो, अब इस खंड का अलग कर लो, फाइव है सिर्फ, इसमें ही ना कुछ है, फाइव लिख देंगे। अब इसमें जीरो टू जीरो, तो जीरो प्लस टू प्लस जीरो, टू ही होगा, ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग टू लिख देंगे। अब यहां पर कितना होगा, फोर फाइव सिक्स हो जाएगा। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, सबका लास्ट वाला निकाल लो, ये वाला हो गया तो फाइव, ये वाला है टू, ये वाला है सिक्स, सिंपल है, सिक्स टू फाइव, 25 का स्क्वायर, ये आप लोगों को याद ही रहा होगा मेरे अंदाज से लगा। चलिए तो अब ये आप लोगों का हो गया ना, अब डायगोनल मेथड में थ्री डिजिट का देखते हैं। ठीक है, थ्री डिजिट का, तो थ्री डिजिट का देखने के लिए आप लोगों को बड़ा सा स्क्वायर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर हो गया, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, नाइन खंड, मतलब थ्री है तो थ्री का स्क्वायर कर दो, थ्री है, दो डिजिट का था तो चार बनाए थे, थ्री है तो नौ को बनाएंगे, नहीं यहां पर नहीं होगा, नाइन हो गया, थ्री थ्री थ्री, नाइन हो गया। अब सबका डायगोनल दे दो, डायगोनल हो गया, देखो अब थ्री डिजिट है, सिक्स टू फाइव, कितना है, सिक्स टू फाइव, तो यहां पर सिक्स लिख दो, यहां पर टू लिख दो, यहां पर फाइव लिख दो,
यहाँ पर 6 लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर 5 लिख दो, जो ऊपर लिखे ना वही नीचे लिखना है, लाइनें लाइनें से ये दिखने लाइन दिखने रहा है, ठीक है। तो 6 6 जा 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 है तो 0 ले लेंगे, 1 डिजिट का है तो पहले 0 उसके बाद उसको लिखते हैं, पहले 0 उसके बाद उसको लिखते हैं, ठीक है। तो 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप लोगों को ध्यान देना है, ये वाला एक रो है, ये वाला 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 है, है ना, आप लोगों को दिख नहीं रहा है। चलिए तो अब क्या करेंगे कि इसको 5 लिख लो अलग, इसमें सिर्फ 2 है, मतलब 0 0 को तो जोड़ते हैं तो जितना रहेगा डिजिट उतना ही नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 6 है, 1 4 5 हो गया, 1 6 हो गया। फिर यहाँ पर कितना है, इसको नहीं जोड़ते हैं बाबू, ये बाहर वाला जो है ना इसको नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ अंदर वाला को। तो इसको जोड़ने के लिए 3 2 5 3 2 5 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 6 1, ठीक है, 1 6 1, तो 6 7 8, 8 हो गया, और ये आपका 3। क्या करना है कि ये 5 है तो 5 को 5 ही रहने देंगे, और यहाँ पर 2 है तो 2 रहने देंगे, यहाँ पर 6 है, 6 है, ये वाला 6 लिखा हुआ है, 6 रहने देंगे। उसके बाद ये 10 है तो इसको 0 ले लेंगे, एक 10 है तो एक 0 ले लो, कितना बचा, 1 बचा, तो ये कितना है, 8 है, तो 8 में हम लोग क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, 8 में यहाँ पर 1 बचा तो 8 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, 9 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 9 हो गया तो अब 3 है, 3 है ना, 3 को 3 उतार दो, ठीक है। तो 3 9 0 6 2 5 इतना आ गया इसका, ठीक है। चलिए तो मैं इसको इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, मिटा दो। चलिए तो इसको मैंने मिटा दिया। उसके बाद अब देखिए, अब आप लोगों को पढ़ना है डिवीजन मेथड, ठीक है। डायगोनल मेथड हो गया, डायगोनल मेथड आप लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करें, उसके बाद फिर से देखें और अच्छे से समझे, ठीक है, स्लो मोशन में करके देखिए, अच्छे से समझे। उसके बाद यहाँ पर ये वाला अब डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले आप लोग इस तरह बनाइएगा, ठीक है, सिंपल है। ये कितना है, 16 3 8 4, है ना। तो आप लोगों को पेयर करना है, पेयर बनाना है, यहां से 2 ले लेना है, 2 2 का पेयर, एक पेयर ये लास्ट में बच जाएगा तो एक ही रहने देना है, 2 2 का पेयर बना लेना है। सबसे पहले पेयरिंग बनाना होता है इसमें, 2 का पेयर 2 1 हो गया। तो अब देखिए ये सिर्फ एक है, इसी को डिवाइड करना है, तो 1 1 का स्क्वायर 1 वन वन से वन डाल में जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर भी 1 जुड़ेगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जितना से कर रहेंगे उतना जुड़ जाएगा, ठीक है। 1 1 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे, थोड़ा सा इधर लिखना क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लिखना होता है, मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो 1 डाल में ये चला गया, अब ये कट जाएगा, अब यहाँ पर सिर्फ एक पेयर उतरेगा, 6 3 उतरेगा, एक पेयर, एक ताल में एक पेयर उतरता है, दूसरा का पेयर उतारना होगा तो एक 0 देना पड़ेगा,
मतलब यहाँ पर दो अंक, एक हम लोग डिवीजन में एक अंक उतारते थे लेकिन यहाँ पर दो अंक उतारते हैं, वहां पर दूसरा का उतरता था तो एक जीरो देते थे लेकिन यहाँ पर चौथा मतलब चार को उतरेगा तब एक जीरो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 63 हो गया। अब देखो यहाँ पर सोचो 63 है तो ये 26 मतलब दो लेंगे, थ्री लेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री लेंगे तो 3 3 9 3 2 6 हाँ ये ज्यादा हो जाएगा मतलब 69 हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर 2 लूंगा तो 2 2 4 मतलब 44 हो जाएगा 2 से। देखो 44 हो गया ना 2 से तो 44 यहाँ पर भी 2 दे दो, सिंपल 2 दिया। और यहाँ पर क्या करना है 2 को प्लस कर देना है, यहाँ पर प्लस कर देना है, 2 लिया है तो 2 को प्लस कर दिया है। अब आगे देखो, अब सिंपल यहाँ पर क्या करना है जोड़ देना है उनको, जुट गया। अब क्या करना है इसको माइनस कर दो, सिंपल यहाँ पर डिवीजन की तरह ही करना होता है। देखो 13 है इसमें से 4 माइनस करे तो 9 हो गया, और 5 है तो 1 हो गया। अब यहाँ पर 84 निकला, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 8 रख के देखते हैं, 8 ठीक है, 8 रख के देखते हैं तो 2 4 8 से ही गुना करना होता है। ठीक है 8 सही है। देखो यहाँ पर 8 रख के देखना होता है तो यहाँ पर 8 रखेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा, देखो 8 कैसे रखा हूं क्योंकि लगभग लगभग 2 9 18 होता है, 2 9 18 तो यहाँ पर 19 है लेकिन यहाँ पर 48 भी तो है, इसीलिए मैंने क्या सोचा कि हाँ 8 रख के देखता हूँ, नहीं थोड़ा कम करके तो मतलब आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा इसके लिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा प्रैक्टिस, बिना कुछ मैथ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इतना ही आएगा, 8 मैंने रखा तो यहाँ पर भी 8 रख दूंगा, इसको जोड़ दो, देखो यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो टर्म आया ये वाला ये इसका दुगुना होगा, मतलब ये जो है ना ये दुगुना है, मतलब इसमें जब दो से गुना करोगे तो ये वाला आ जाएगा। देख लो आप लोगों को 128 है ये 256 है, ये आप लोगों को दुगुना दिख रहा है इसका, मतलब ये जब दुगुना हो जाएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये मतलब मैंने डिवीजन मेथड से अपना स्क्वायर रूट निकाला है, स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाला हूं। देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट है, ये वाला स्क्वायर है, ये वाला रूट है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट निकाला इस तरीके से, आप लोग भी इसी तरीके से निकालिएगा।